अब यहाँ पर जो पंचोल में जो लाइटिंग दिख रही है इसको कैसे सेट करें? तो यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE मतलब फैन एडिशन स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 जी हाँ 60 से ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग औसम फीचर्स आपको बताऊंगा। आप वो फीचर्स देखकर रहना बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम तरीके से यूज़ कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर आपको बताया तो यहाँ पर सेटिंग में आकर स्क्रीनशॉट लेने के लिए लॉन्ग यहाँ पर वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कहाँ तक चाहिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होगा, ये मतलब ये आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जितना इसकी कैपेसिटी है। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है तो एक एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है और उसके अगर आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन का आइकन है ना इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा सेकंड नंबर पर ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कुछ इस तरह से दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। अब मान लो आप दो दो एप्लीकेशन के बीच में काम करें, फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन ये है दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं, वापस से उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। और ये जो पंचोल में यहाँ पर लाइटिंग दिख रही है ना, ये लाइटिंग कैसे सेट करें वो भी आपको बताऊंगा आगे, कमाल का वीडियो होने वाला है आप देखना। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एप्लीकेशन ओपन करना है कोई भी, यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर लॉन्ग टैप करेंगे इस तरह से तो ये पॉपअप में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऐसे इस तरह से आप इसको पॉपअप में कहीं भी आप रखकर दूसरा साथ में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं, यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रोम, यहाँ पर लॉन्ग टैप करेंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ पर लॉन्ग टैप करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आए बोल कर दिखता होगा, इसमें आना है नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है, ऐसे इसको बंद करना है। इस एप्लीकेशन से हमको जो भी मैसेज नोटिफिकेशंस आते हैं यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन में आना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है, यहाँ पर है ब्लॉक नंबर्स, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और यहाँ पर कोई भी नंबर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायल करके यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो नंबर ब्लैकलिस्ट में पड़ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करने के लिए आते हैं बैक, यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स, यहाँ से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, इस फोन में ये ऑन हो गया। आते हैं बैक और यहाँ पर है दोस्तों कॉल बैकग्राउंड, यहाँ से आप कॉल बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने बैकग्राउंड आपको मिलते हैं कॉल आने के बाद कैसा आना चाहिए, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं, सेट करेंगे। तो चलिए बैक आते हैं, यहाँ पर है वाइब्रेट व्हेन आंसर और एंड्स, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है, और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर है वाइब्रेट विल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो मतलब आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा रिंगटोन के साथ में। और यहाँ पर है प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइप कर रहे हैं कुछ भी कीबोर्ड में तो साउंड आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, और वाइब्रेट आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर रेड कॉलर नेम्स अलाउड आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर अलवाइज कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर अलवाइज मत करना, ओवर ब्लूटूथ एंड हेडफोन्स ओनली इसको कर लेना, और यहाँ पर आंसर ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर लेना। इससे पहले ये भी यही फीचर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 सेकंड करेंगे तो कॉल आने के बाद में 10 सेकंड के बाद में रिसीव हो जाएगा ब्लूटूथ कनेक्ट है तो। और यहाँ पर है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। और यहाँ पर है सेड की टू एंड कॉल्स, अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो पावर बटन पर क्लिक करेंगे कॉल कट हो जाएगा। बैक आते हैं, यहाँ पर है दोस्तों कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग एप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, फुल स्क्रीन आना चाहिए, यहाँ पर पॉपअप में आना चाहिए ऊपर, या मिनी छोटा सा एकदम छोटा पॉपअप आना चाहिए, आपके हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो आएंगे सेटिंग में, यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना, यहाँ पर ब्रीफ कर सकते हैं, डिटेल्स कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर ब्रीफ करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर
ऊपर पॉपअप आता है तो उसमें मैसेज पूरा आपको डिटेल्स में नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर डिटेल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल बता देगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल या मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर स्लीपिंग पर आप क्लिक करके डेली आप मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंड टाइम डे बाई डे वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रोजाना ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाएगा, आपकी मीटिंग शुरू होती ही मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। बैक आने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग, इस सेटिंग में आना है। शो नोटिफिकेशन आइकन से यहाँ पर आप ऑल करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो उसके यहाँ पर आइकन बता देंगे। थ्री मोस्ट रिसेंट करेंगे तो तीन ही एप्लीकेशन के आइकन बता देंगे जो नए होते हैं। उसके ठीक नीचे यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, यहाँ से ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। और अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, मतलब यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो आपको जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं आपने यहाँ पर क्लियर किया, क्लियर करने के बाद यहाँ पर आप बाद में आकर देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या हमने क्लियर किया बोलकर। इसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ये भी आप कर सकते हैं, बबल कर सकते हैं, स्मार्ट पॉपअप व्यू आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बबल्स, मतलब फेसबुक मैसेंजर एक चार्ट ओपन होता है, एग्जांपल आपके यहाँ पर दिख रहा है, एग्जांपल दिख रहा है ना, इस तरह से आप अदर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, यहाँ पर हम करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके रिमाइंड एवरी 3 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, या आप 15 मिनट्स भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे 10 मिनट्स और वाइब्रेट व्हेन साउंड प्लेस इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन या मैसेज आने के बाद में आपने नहीं देखा तो हर 10 मिनट के बाद में वो रिमाइंड करना चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन या मैसेज आता है, कुछ भी कॉल वगैरह आता है तो आपने नहीं देखा तो हर 10 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा। बैक आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों और ऐप आइकन बैड, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, बीच में यहाँ पर नंबर कर सकते हैं या तो आप डॉट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो क्वांटिटी बता देता है इस एप्लीकेशन से कितने नोटिफिकेशन आए बोलकर, और यहाँ पर डॉट करेंगे तो डॉट बता देता है, बस क्वांटिटी नहीं बताते। बैक आते हैं और एक और बैक आते हैं नोटिफिकेशन साउंड, यहाँ से आपको आना है और यहाँ पर है और नीचे आना है, चलिए सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल आपको इस सेटिंग में आना है। ये जो साइड साउंड है ना सबको ऑफ करना है, सबको ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है, इन सबको भी ऑफ करना है। कैसे आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो आप टच करते हैं, लॉक करते हैं, लॉक करते हैं तो बार बार स्पीकर से साउंड आता है और वाइब्रेट मशीन भी वहाँ से ऑन होती है तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। इन सारी सेटिंग्स को आपने ऑफ किया तो बार बार वाइब्रेट मशीन भी ऑन नहीं होगी, स्पीकर भी ऑन नहीं होगा, वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। बैक आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट टू वेक, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप फोन को कहीं भी रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन इस तरह से ऑन हो जाएगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये क्या है आपको मैं बता दूँ। अब मान लो आप डबल टैप करेंगे जहां पर खाली स्पेस है, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आप यहां पर इसी आपको आना नोटिफिकेशन सेटिंग में और यहां पर नीचे आने के बाद नोटिफिकेशन साउंड में और नीचे आने के बाद यहां पर है अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, इसी सेटिंग में आना है। और यहां पर है कीप स्क्रीन ऑन विल व्यूइंग, मतलब इसको ऑन करेंगे तो आप जब तक देखते रहेंगे स्क्रीन को तो डिस्प्ले ऑफ नहीं होगा, अगर आप कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं तो भी। तो चलिए यहाँ पर आप अलर्ट व्हेन फोन पिकअप इसको ऑन कर सकते हैं दोस्तों, आपको मैसेज कॉल वगैरह आते हैं तो आपको अलर्ट करेगा बार बार। तो चलिए यहाँ पर म्यूट विद जेस्टर्स, आपको कोई भी कॉल वगैरह आता है तो इस तरह से फ्लिप करेंगे फोन को, रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। तो चलिए ये फीचर्स यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और यहाँ पर अभी डिस्प्ले सेटिंग, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट है आपको कर लेना है डार्क, आप डार्क करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पर अगले फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर अडेप्टिव ब्राइटनेस, इसको आप ऑन करेंगे, मैं ऑफ कर लेता हूँ। आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होता है, आप ऐसे जगह जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत है, आप धूप में वगैरह जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ना दोस्तों ज़्यादा होता है, आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, ये यूज़ कर सकते हैं।
अगले फ्यूचर की बात करने के लिए यहाँ पर नीचे मोशन स्मूथनेस, यहाँ से आपको करना है दोस्तों 120 हर्ट्ज तक तो आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड करेंगे तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन मस्के के जैसा चलेगा, बहुत ही स्मूथ, लेकिन बैटरी है ना दोस्तों थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। आपको जो अच्छा लगे कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर अगले फ्यूचर की बात करते हैं, आई कम्फर्ट। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पर इसको कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को भी आप यहाँ पर इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, आपके आंख सेफ रहेंगे। यहां पर बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में स्क्रीन मोड, यहां से आप स्क्रीन मोड भी चेंज कर सकते हैं जो आपको यहां से अच्छा लगे। चलिए बैक आने के बाद यहां पर हम और फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, यहाँ से आप बोल्ड फॉन्ट कर सकते हैं, इस तरह से हाई हो जाएंगे, और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा और भी आपको स्टाइलिश में फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पर डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर डाउन कर सकते हैं। अभी इसको इंटरनेट चाहिए ना, तो चलिए बैक आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों फॉन्ट साइज, यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स के साइज को बड़े कर सकते हैं। अगर आपके आँख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े करके यूज कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको इतना बस। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन जूम, ये क्या है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसके अलावा यहाँ पर जो आइकन है ना ये बड़े हो जाएंगे। यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो इसको भी आप बड़े कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट कितना होना चाहिए, आप मैक्सिमम 10 मिनट्स कर सकते हैं, 1 मिनट आप कर लेना दोस्तों। लॉक बटन दबाना भूल गए तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर है इजी मोड, यहाँ से इजी मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको इतने बड़े बड़े से होम स्क्रीन पर मिलेंगे, वहाँ से इजी यूज कर सकते हैं इजी तरीके से। तो इसलिए बैक आने के बाद यहाँ पर है एज पैनल, ये ऑफ रहता है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आपको स्लाइड करना दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन आते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें तो यहाँ पर स्लाइड करके वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप इस 3 लाइन पर क्लिक करके, एडिट पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी यहाँ से मतलब यहाँ पर ऐड करके रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर और नीचे है, और चलिए नेविगेशन बार, यहाँ से आप कर सकते हैं बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर स्वाइप जेस्चर पर क्लिक कर देना है, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आप बैक यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से बैक आ सकते हैं, होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट एक्स रिमूव करना है भी, यहाँ पर रिसेंट एक्स भी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आएंगे नीचे, चलिए और नीचे आएंगे यहाँ पर दोस्तों। और स्क्रीन सेवर यहाँ से यूज कर सकते हैं, शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन ये भी यूज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। और यहाँ पर साइड की है, ये क्या है, ये जो पावर बटन है ना इसके ऊपर हम डबल प्रेस करेंगे तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक कर लेता हूँ, तो अभी देख सकते हैं पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर नीचे आएंगे यहाँ पर दोस्तों। और विजिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ से आप देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट थीम है, यहाँ से आप इसको येलो कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको तो इंटरनेट चाहिए, इसको डाउनलोड करके आप रख लेना। चलिए और अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट, इसको ऑन करेंगे तो अपने फॉन्ट कुछ आपको बदलते हुए दिखते होंगे, कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं अपने फॉन्ट को। और यहाँ पर दोस्तों हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, ये क्या है आपको बताता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी इस तरह से ना आपका एक कीबोर्ड, इसको ऑन करके यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे कीबोर्ड यहाँ से यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं यहाँ पर हाईलाइट बटन, इसको ऑन करेंगे तो जहाँ पर ओके बटन, एग्जिट बटन वगैरह होता है ना वहाँ से वो हाईलाइट करेगा, यहाँ पर ओके बटन है, यहाँ पर एग्जिट बटन है बोलकर ये यूज कर सकती है, मैं तो इसको यूज नहीं करना चाहता। तो चलिए यहाँ पर है रिमूव एनिमेशन, तो बैक आने के बाद क्लोज करने के बाद कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज करें तो स्पीड ओपन होगा, स्पीड क्लोज होगा, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं यहाँ पर दोस्तों इसी डिस्प्ले सेटिंग में एकदम लास्ट में अलवाइज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से आना है, यहाँ पर अलवाइज कर लेना, इसको शो अलवाइज करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लॉक करते हैं जैसे फोन को तो अलवाइज ऑन डिस्प्ले या ऑन हो जाता है, ये देख सकते हैं। अभी ये क्लॉक स्टाइल है, यहाँ पर इसका चेंज करेंगे, क्लॉक स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके कलर भी बदल सकते हैं। चलिए मैं इतना एग्जांपल आपको बताने के लिए कर लिया हूँ, ये देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आ चुका है ये। चलिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन, ये आप आना चाहिए नहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर है वॉलपेपर एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर देख सकते हैं माय वॉलपेपर्स में आपको इतने सारे वॉलपेपर्स यहाँ पर मिलते हैं, और आप डाउनलोड करके रखें तो यहाँ से आपको मिलेंगे, ये यूज़ कर सकते हैं। गैलरी पर क्लिक करके अपना खुद का फोटो आप रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, इसी आप यहाँ पर थीम दिखता होगा, थीम्स पर आप क्लिक करके डाउनलोड करके बहुत ही बेहतरीन थीम्स रख सकते हैं। बैक आते हैं अगले फीचर की बात करते हैं, होम स्क्रीन सेटिंग में आपको आना है,
यहां पर दोस्तों होम स्क्रीन लेआउट है, आप यहां पर इसको कर सकते हैं। होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे यहां पर दोस्तों, और होम स्क्रीन ग्रिड है। यहां से जो होम स्क्रीन वाले जो एप्लीकेशन है ना, उसका जो पेज है ना, उसको आप छोटे बड़े करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहां पर है ऐप स्क्रीन ग्रिड, मतलब यहां से एप्लीकेशन को आप छोटे बड़े कर सकते हैं। पिछले फीचर हो बस पेज को बड़े आप कर सकते थे। तो चलिए बैक आने के बाद यहां पर है फोल्डर ग्रिड, मतलब आप जो फोल्डर बनाकर रखे हैं तो उसका साइज भी आप यहां पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। और चलिए यहां पर है दोस्तों ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, यहां से आप गूगल डिस्कवर कर सकते हैं और सैमसंग फ्री, जो आप करना चाहें कर लेना अपने हिसाब से। और नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, यहां पर है शो एप्स स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन आता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन खुलकर आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके वो सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, इसको ऑन करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना, इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपने अपने जगह से हिलेंगे नहीं, आप ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और नीचे यहाँ पर दोस्तों और एड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो जो भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए उसी सेम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर दोस्तों हाइड एप्स, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहे तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो वह एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। बाद में आप इसी सेटिंग में आकर वापस इसको अनहाइड करेंगे तो शो हो जाएगा एप्लीकेशन में। और नीचे आने के बाद इसी सेटिंग में और यहां पर है दोस्तों स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो यहां से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकलना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस इतना करेंगे नीचे से ही निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और यहां पर दोस्तों और लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आपको आना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप जो भी नाम लिखकर डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर बता देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग में यहाँ पर नोटिफिकेशंस, यहाँ से आप यहाँ पर कर सकते हैं आइकन ओनली करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आइकन बता देता है इसका। यहाँ पर आइकन दिख रहा है ना, कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो तो पता नहीं, लेकिन आइकन दिखता है। आप डिटेल करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा मैसेज ही बता देता है लॉक स्क्रीन पर। बैक आने के बाद इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में यहाँ पर शॉर्टकट्स, मतलब लॉक स्क्रीन पर आपको दो एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, एक है यहां पर फोन है, एक है कैमरा, ये आप चेंज कर सकते हैं। फोन की जगह हम यहां पर करेंगे, चलिए एग्जांपल फेसबुक कर लेता हूं, और कैमरा की जगह हम यहां पर कर लेते हैं क्रोम को। इस तरह से आप कोई भी आपको जो एप्लीकेशंस यूज होते हैं उन एप्लीकेशंस को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग दिख रही है इसको कैसे सेट करें, वो सेट करने के लिए आपको क्या करना दोस्तों, ओपन करना है क्रोम ब्राउजर को, तो चलिए यहाँ पर हम ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर को। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग, रिंग सर्च करना है, रिंग रिंग APK टाइप करना है, इतना सर्च करके अब मतलब इतना टाइप करके आपको गो पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, कौन से एप्लीकेशन को इजी एकदम, यहाँ पर इसमें फिलहाल इंटरनेट नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करके बता पा रहा आपको, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर जो दिख रहा है इसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, ओपन करना है, सारे परमिशन वगैरह देना है, देकर ये ऑफ रहता है, यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर ये नीचे ऊपर होता है, ये जो लाइटिंग है ना, राउंड लाइटिंग, ये नीचे ऊपर होता है इसको, ये और ये थोड़ा बड़ा भी होता है। यहाँ से आप इसको सबसे पहले ऊपर लेकर जाना है, इस रिंग को यहाँ से इस तरह से अपने कैमरा के पास लेकर जाना है, यहाँ पर इस तरह से लेकर जाएंगे। तो चलिए इस तरह से हम अभी लेकर जाएंगे इसको ऊपर, ये रहा, ये लग चुका है ऊपर, और ऐसे इसको छोटा करना है अपने कैमरा के हिसाब से। तो चलिए इस तरह से ये छोटा हो गया, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। नीचे अगर आपको यहाँ पर ये 90 डिग्री कर लेना है, और यहाँ पर ये जो कलर इस तरह से है ना, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप सेगमेंट कलर करेंगे तो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से कलर बदलता रहता है, और यहाँ पर सिंगल कलर करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है कलर, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसको। मुझे तो अभी ये अच्छा लगता है, मैंने इसको अप्लाई किया है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, मतलब फैन एडिशन 5G स्मार्टफोन के कुछ टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको मैंने बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना।